Yes, good morning students. Today we will discuss about data collection, experiment and survey. That is your second chapter. Data collection is one of the most important steps in conducting a research. It is not possible to complete the project without collecting required and relevant data suitable for the study even by choose best research design. बेशक आप बेस्ट रिसर्च डिजाइन चूज कर लो लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा उस रिसर्च डिजाइन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. उस डाटा कलेक्ट करने के बाद आप रिसर्च डिजाइन जो है वो चूज करेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. डाटा कलेक्शन इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब विच नीड्स careful planning, hard work, patience, determination and more to be able to complete the project successfully. Data collection starts with determining what kind of data is required followed by the collect sample from a certain population. Jis population se aap data collect kar rahe hain, aapko kya data chahiye? Sabse pehle aapko ye decide karna hai. Kis liye wo data chahiye? Data ki requirement kya? Population se kis tarah ka data aapko chahiye? ये डिसाइड करना आपका पहला काम है डाटा कलेक्शन में. उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप वो डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं. जनरली हम दो सोर्सेज से डाटा कलेक्टते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स. लास्ट क्लास हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में बात की थी. तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो डाटा के डाटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स आर नोन एज प्राइमरी डाटा एंड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा आर ऑल्सो नोन एज रॉ डाटा. डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स कंट्रोल्ड और अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंट. कंट्रोल्ड एनवायरमेंट का एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. वेस्टर्ड वेरिएबल्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर. रिसर्चर के द्वारा कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो कंट्रोल कर लिए जाते हैं. ये एक एग्जांपल है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का एक्सपेरिमेंट रिसर्च. इसके अलावा ऑन द अदर हैंड डाटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनेयर सर्वे नेचुरल सेटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा ऑब्टेंड इन अ अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्या का एग्जाम्पल दिया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वेशन या फिर क्वेश्चनेयर सर्वे. कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर को कंप्लीटर तो क्या हिस्से के बाद हर चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार यूज होंगी. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल यूनिट. एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान, स्टडी के दौरान जो हर एक इंडिविजुअल है जिसको कि आप स्टडी कर रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल यूनिट. पार्टिसिपेंट हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो हैं वो पीपल हैं तो उनको क्या बोलेंगे आप, पार्टिसिपेंट्स. और अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं तो उनको बोलेंगे आप सब्जेक्ट, जो कि थर्ड टर्म है. ट्रीटमेंट, इट इज अ स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट. जो जिन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई करने वाली कंडीशन, जो स्पेसिफिक कंडीशन आप उनके ऊपर अप्लाई करते हैं उसको आप ट्रीटमेंट बोलेंगे. एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वेरिएबिलिटी इन द रिस्पांस वेरिएबल, ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो तरह के वेरिएबल आपने पढ़ रखे इससे पहले स्टैटिस्टिक्स में. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल पे. डिपेंडेंट वेरिएबल फ्री है. इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडी दिस इज द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर. इसमें ही जोड़ तोड़ किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में. रिस्पॉन्स वेरिएबल, द आउटकम वेरिएबल ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल. जो आउटकम वेरिएबल है जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. फैक्टर क्या है, वन एक्सप्लेनेटरी विद वन टू और मोर लेवल्स, दो या दो से अधिक लेवल्स के साथ जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है. एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऊपर पढ़ लिया आपने, इंडिपेंडेंट दो, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जिसके साथ क्या है दो या दो से ज्यादा लेवल्स हैं वो कहलाएगा आपका फैक्टर कहलाएगा.
नेक्स्ट है लेवल। लेवल क्या होती है? फैक्टर की, जो फैक्टर की वैल्यू है उसी को ही आप लेवल के नाम से जानते हैं। टाइम यूनिट्स क्या है? इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या अदर एंटिटीज हुज रिस्पॉन्सेज टू द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर और ट्रीटमेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड, जिनके ट्रीटमेंट जो है आप एग्जामिन कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर्स या फिर स्टोर्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर मैनिपुलेटेड एंड हुज इफेक्ट आर मेजर्ड, इनमें जोड़ तोड़ किया जाता है और इन्हीं का जो इफेक्ट है वो मेजर किया जाता है। इनका इफेक्ट किनके ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आर वेरिएबल्स विच मेजर्स द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द टेस्ट यूनिट्स। एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट इज इन दिस चैप्टर। एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑर्डिनरी प्रोसीजर कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरीफाइंग, फॉल्सिफाइंग और एस्टेब्लिशिंग द वेरिएबिलिटी वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। Experiments provide insight into cause and effect by demonstrating what outcome occurs when a particular factor is manipulated. जब एक particular factor को manipulate किया जाता है, उसमें जोड़ तोड़ किया जाता है, उसका जो effect है वो दूसरे पर क्या है, इस cause and effect को experiment के through हम observe करते हैं। Experiment differs greatly in their goal and scale, but always on repeatable procedure and logical analysis of the results in a method called the scientific method. हाँ जी, am I audible to all of you? एक unmute होके बता दें। Am I audible to all of you now? Yes sir. Okay. Voice break तो नहीं है? अभी message आया था कि voice break हो रही है बीच बीच में। Voice तो नहीं break? बीच में हो रही है। बीच बीच में हो रही है? चलो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी वॉइस, तो आप ये लेक्टेंड कर लो, बाद में रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर अपलोड करके मैं शेयर भी दूंगा, ठीक है? अभी जितना समझ में आ रहा है, जितना सुन पा रहे हैं उतना आप सुन लीजिए। ये तो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? मीनिंग क्या है? द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन्स अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल साइंटिफिक प्रोसीजर इन विच वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अंडर आर मैनिपुलेटेड। एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, उनका जोड़ तोड़ किया जाता है। एंड एनी चेंज ऑन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड व्हाइल कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इफेक्ट को तो कंट्रोल करते हैं जो अदर वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल पर इनडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ करने से क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, उस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जबकि हमने एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल है उनके इफेक्ट को कंट्रोल्ड रहा। हियर एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी बट मे अफेक्ट द रिस्पांस ऑफ टेस्ट यूनिट। एक्सपेरिमेंट में द इन्वेस्टिगेटर ट्राइज टू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हिम इंटेंशनली टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और टू डिस्कवर समथिंग और टू डेमोंस्ट्रेट अ नोन फैक्ट। एन एक्सपेरिमेंट एम्स एट ड्रॉइंग कंक्लूजंस concerning the factor on the study and making inferences from sample to larger population of interest. Sample के through हम population के बारे में conclusion लेते हैं। Definition क्या है? F.S. Chapin ने जो definition दिया, इसके an experiment is an observation under controlled conditions. अभी हमने बात की जो conditions हैं उनको controlled कर देते हैं आप, उसमें जो observation करते हैं उसको क्या कहते हैं आप? Experiment. Festinger ने डेफिनेशन दिया, एक्सपेरिमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन किसमें कर रहे हैं आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और इस मैनिपुलेशन की वजह डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं उस इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉन डब्ल्यू बेस्ट की, एक्सपेरिमेंट इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक तरह से डिस्क्रिप्शन है और एनालिसिस है ऑफ व्हाट विल बी
और व्हाट विल अकर अंडर द केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन. केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है इसको क्या होता है इसका एनालाइज और डिस्क्रिप्शन है एक्सपेरिमेंट. जोहाड़ा ने जो डेफिनेशन दिया है इसकी, एक्सपेरिमेंट इज मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस को टरना. हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना. पहले से ही आप कल्पना कर लेते हैं ये है या नहीं है, उन दोनों में से जो सत्य प्रूव होता है उसको ले लेते हैं, या फिर एक असत्य प्रूव होता है तो दूसरे को ले लेते हैं, हम दूसरे को सेलेक्ट कर लेते हैं. फीचर्स ऑफ गुड एक्सपेरिमेंट, इसके फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं. इट शुड बी अनबायस्ड, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी की रेंज जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, एनालाइज करने में सिंपल होना चाहिए, और अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट की जा सके इससे. इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो गुड एक्सपेरिमेंट कहलाता है. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के? द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर रैंडमाइजेशन, रेप्लीकेशन. राइट साइड में देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स राइट साइड में दिखाई दे रहे होंगे. रैंडमाइजेशन, रेप्लीकेशन और लोकल कंट्रोल. रैंडमाइजेशन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का. द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज रैंडमाइजेशन. इट इज अ रैंडम प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स. एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पर जो आप ट्रीट असाइन करते हैं उस रैंडम प्रोसेस है ये. रैंडमाइजेशन क्या है? एक रैंडम प्रोसेस है किस पर? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पर ट्रीटमेंट करने की. द रैंडम प्रोसेस इंप्लाइज द एवरी पॉसिबल अलॉटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट हैज द सेम प्रोबेबिलिटी. सभी पर क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी जो क्या है वो सेम रहती है. एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एंड अ ट्रीटमेंट मींस एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हूज इफेक्ट इज टू बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड. द पर्पस ऑफ रैंडमाइजेशन इज रिमूव बायस एंड अदर सोर्सेज ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन. एक्सट्रेनियस वेरिएशन के जो अदर सोर्सेज हैं उनको रिमूव करना और बायसनेस को रिमूव करना, ही रैंडमाइजेशन का. नाम से पता चल रहा है कि रैंडमली आपने सेलेक्ट करना है, रैंडमली आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो करना है किनके साथ, जो भी वेरिएबल्स की, जिन वेरिएबल्स की आप स्टडी कर रहे हैं. अनदर एडवांटेज ऑफ रैंडमाइजेशन इज दैट इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एनी वैलिड स्टैटिस्टिकल टेस्ट. एक और एडवांटेज क्या है रैंडमाइजेशन की, कि ये फॉर्म करता है बेस किस, एक वैलिड स्टैटिस्टिकल टेस्ट का. हेंस द ट्रीटमेंट मस्ट बी असाइंड एट रैंडम टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट. रेप्लिकेशन में क्या करेंगे? द सेकंड प्रिंसिपल क्या है, रेप्लिकेशन है, और इसमें इट इज अ रिपीटिशन ऑफ बेसिक एक्सपेरिमेंट. बेसिक एक्सपेरिमेंट की रिपीटिशन है, इसमें बार बार करते हैं आप एक्सपेरिमेंट को. दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इट इज अ क्लीट रन फॉर ऑल द ट्रीटमेंट टू बी टेस्टेड इन द एक्सपेरिमेंट. इन ऑल एक्सपेरिमेंट सम वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक्सपेरिमेंटल यूनिट. दिस टाइप ऑफ वेरिएशन कैन बोर्ड बाई यूजिंग अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट. तो इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. वी देयर फॉर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट मोर देन वंस. परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को एक से ज्यादा बार. बेसिक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं हम. तो इंडिविजुअल रिपीटिशन को ही आप क्या कहते हैं, रेप्लीकेट कहते हैं. और ये जो प्रोसेस है इसको प्रिंसिपल ऑफ रेप्लीकेशन बोलते हैं. द नंबर द शेप एंड द रेप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल. कब किया जाता है रेप्लीकेशन यूज? फर्स्ट टू सिक्योर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर. A term which represents the difference that would observe if the same treatments were applied several times to the same experimental unit. To secure more accurate estimate of the experimental error. Experimental error ko jyada accurately estimate karne ke liye to aap replication principle use karte hain. Dusra kam karne ke liye kisko, the experimental error and thereby to increase precision. Experimental error ko reduce karne ke liye. To obtain more precise estimate of the mean effect of a treatment. Mean effect of treatment का वो estimate करने के लिए. Local control है तीसरा principle इसका. All extraneous sources of variation are not removed by randomization and replication. सभी तरह के जो extraneous variables हैं उनके effect को, उनके effect को randomization से या replication से के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता. This necessitates a modification in the mental technique. इन दोनों के बाद एक modified technique की जरूरत है experimental technique की.
जो कि क्या है, लोकल कंट्रोल है। इसमें क्या करते हैं, लोकल कंट्रोल है मींस कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, सीधी सी बात है, ब्लॉक कर देते हैं उसको। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, दो टाइप के हैं, लैब एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट। जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं वो लैब एक्सपेरिमेंट है, जो फील्ड में परफॉर्म किए जाते हैं वो फील्ड एक्सपेरिमेंट है। एग्जाम्पल भी दे रखेंगे, आप पढ़ लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन रेज कर देना। कंपैरिजन लैब एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट में दे रखा है, कंपैरिजन से हमें क्लियर हो जाएगा। लैब एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर लेस टाइम, लैब एक्सपेरिमेंट कम टाइम में हो जाते और फील्ड एक्सपेरिमेंट में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है हमारा। क्यों? क्योंकि फील्ड में इन्वेस्टिगेशन जो है वो लंबी चलती है। इन लैब एक्सपेरिमेंट द कंट्रोल इज मोर, ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं लैब एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोलेबल है। और फील्ड में आप अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स का आपको सामना करना पड़ता है, इसलिए वो अनकंट्रोलेबल है। आपको पता नहीं होता फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते टाइम क्या है जो आप प्लान किया है, जरूरी नहीं है वो हो। द इंटरनल वैलिडिटी इज मोर इन केस ऑफ लैब एक्सपेरिमेंट, इंटरनल वैलिडिटी जो है लैब एक्सपेरिमेंट इसमें ज्यादा है और फील्ड एक्सपेरिमेंट के केसेस में क्या है, कम है इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी लेस है लैब एक्सपेरिमेंट के केस में, और फील्ड एक्सपेरिमेंट के केस में क्या है, ज्यादा है। लैब एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट इजी टू जनरलाइज, जनरलाइज करने के अगर हम करें जो रिजल्ट्स हैं हमारे उनका जनरलाइजेशन करें हम, तो लैब एक्सपेरिमेंट्स इतने इजी नहीं है और फील्ड एक्सपेरिमेंट्स का जनरलाइजेशन इजिली हो जाता है हमारा। लास्ट डिफरेंस है द लैब एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, आप क्रिएट करते हैं उस एनवायरमेंट को जिस एनवायरमेंट के अंडर जो एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर रहे हैं, और फील्ड एक्सपेरिमेंट में नेचुरल जो नेचुरल एनवायरमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा आपका, तभी तो वो अनकंट्रोलेबल है। लैब एक्सपेरिमेंट में जो आपका एनवायरमेंट है आपके द्वारा ही क्रिएट किया गया है, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट है, और वो इसलिए कंट्रोलेबल है क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिजाइन, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ये हैं लैब एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये डिफरेंस है। और साइड में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन कौन से इम्पोर्टेंट, कॉजेशन, इट अलाउज द एक्सपेरिमेंटर टू मेक कैजुअल कंक्लूजन अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जिन वेरिएबल्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ करने, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आते हैं, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, उसके बारे में कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कॉजेशन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की हेल्प से। कंट्रोल, इट अलाउज द एक्सपेरिमेंटल टू एक्सक्लूड अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन, जो अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन हैं उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं आप। मीन्स कंट्रोलिंग का तो यही है ना कि आपके लिए जो अवांछनीय है उसको आप हटा दें और जो सही है उसको आप इंप्रूव कर लें। तो एक एक्सपेरिमेंटर को अलो करता है ये लैब एक्सपेरिमेंट कि वो अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन जो हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की वजह से जो इफेक्ट आते हैं उनको वो कंट्रोल कर सके। वेरिएबिलिटी, इट रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी विद इन ट्रीटमेंट कंडीशंस which makes it easier to identify differences in treatment results. We can classify experimental designs into two broad categories. दो categories में divide कर सकते हैं इसको, informal experimental designs and formal experimental design. Informal experimental designs जो हैं वो normally use a less sophisticated form of analysis based on differences in magnitudes. And formal experimental designs after relatively more control and use precise statistical procedures for analysis. Formal नाम से, formal और informal के नाम से पता चल रहा है कि formal में ज्यादा control है और statistical procedure जो है वो follow किया जाता है। Informal experimental design कौन कौन से है, before and after without control design, second है after only with control design, and third है before and after with control design. अब तीनों को one by one हम discuss करते हैं। First है before and after
विदाउट कंट्रोल डिजाइन, फर्स्ट है। राइट साइड में देखिए आप, देगा बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन। इन दिस डिजाइन अ सिंगल टेस्ट ग्रुप और एरिया इज सेलेक्टेड एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इंट्रोडक्शन से पहले उसको मेजर किया जाता है और फिर द ट्रीटमेंट इज देन इंट्रोड्यूस्ड एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड अगेन आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल। देखो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पर तो कंट्रोल नहीं है, विदाउट कंट्रोल लिखा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है इससे। और बिफोर भी है और आफ्टर भी है, मींस ट्रीटमेंट से पहले भी आप मेजर करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी आप मेजर करते हैं, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो चेंज है, वो इफेक्ट है ट्रीटमेंट का। देखो ट्रीटमेंट से पहले आपने मेजर किया, ट्रीटमेंट के बाद मेजर किया, ट्रीटमेंट के बाद के इफेक्ट, ट्रीटमेंट से क्या इफेक्ट हुआ वो कैसे निकालोगे, ट्रीटमेंट के बाद के रिजल्ट को ट्रीटमेंट से के पहले से रिजल्ट में से माइनस कर दोगे तो आपका ट्रीटमेंट का इफेक्ट आ जाएगा। और ट्रीटमेंट के इफेक्ट को ही मेजर करने के लिए तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये है आपका बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन, जिसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का को कंट्रोल नहीं किया जा रहा और पहले मेजर किया जा रहा है परफॉर्मेंस को और बाद में मेजर किया जा रहा है, दोनों के डिफरेंस को फिर कंक्लूजन निकाल के वो क्या है आपका इफेक्ट है ट्रीटमेंट का। आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन, सेकंड है आफ्टर ओनली, बाद में ही सिर्फ आपका जो मेजर है वो किया जाता है विद कंट्रोल, कंट्रोल किया जाता है किस पर, कंट्रोल किन पर किया जाएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पर, जो अदर वेरिएबल्स हैं। देखो स्टडी किस किस के बीच की कर रहे हो आप, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को आप मेजर कर रहे हैं, लेकिन जरूर नहीं है जिन वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप आप शो कर रहे हैं उन पर उसी का इफेक्ट होगा। कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिनके इफेक्ट उन पर हो सकते हैं, तो उनको कंट्रोल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करके, मीन्स उनको एज इट इज रख के, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं। इन दिस डिजाइन टू ग्रुप्स और एरियाज नेमली टेस्ट एरिया एंड कंट्रोल एरिया आर सिलेक्टेड। एक तो टेस्ट एरिया सेलेक्ट कर लिया जाता है और एक कंट्रोल एरिया, एक में तो कंट्रोल किया जाता है और एक टेस्ट किया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है एक में और एक में कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज रहे, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज देन मेजर्ड इन बोथ द एरियाज ऑफ द सेम टाइम। एक ही टाइम में दोनों एरियाज में जो आपने सेलेक्ट किए हैं, कौन कौन से दो एरिया सेलेक्ट किए, टेस्ट एरिया एंड कंट्रोल एरिया, वहां दोनों में डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया जाता है सेम टाइम पर। इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज असेस्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द कंट्रोल एरिया फ्रॉम इट्स वैल्यू इन द टेस्ट एरिया। कंट्रोल एरिया में जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है उसमें से घटाते हैं हम टेस्ट एरिया की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपका इफेक्ट आ जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन एंटरिंग इनटू ट्रीटमेंट इफेक्ट, एक्सट्रेनियस वेरिएशन एंटरिंग इनटू द ट्रीटमेंट इफेक्ट। ट्रीटमेंट इफेक्ट में एक्सट्रेनियस वेरिएबल वेरिएशन आने की संभावनाएं रहती हैं, मींस उनका इफेक्ट यहां पर रहेगा। हाउएवर इन सच अ डिजाइन डाटा कैन बी कलेक्टेड विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स विद द पासेज ऑफ टाइम। इन दिस रिस्पेक्ट दिस डिजाइन इज सुपीरियर to before and after without control design. वहां पर control नहीं था, without control था, और यहाँ पर control है, तो इससे best है ये। Third है before and after with control. पहला क्या था before and after without control, और third आ गया अब before and after with control. नाम से ही पता है, पहले भी treatment से पहले भी आप dependent variable को measure करते हैं और treatment के बाद भी आप dependent variable को measure करते हैं। In this design, two areas are selected and the dependent variable is measured in both the areas for an identical time period before the treatment. Treatment से पहले आप दोनों areas में identical time period हैं, उसमें आप उनको measure करते हैं। The treatment is then introduced into the test area only. यहाँ पर treatment जो apply कर रहे हैं आप test area में कर रहे हैं, control area में नहीं। And the डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड इन बोथ द आइडेंटिकल टाइम पीरियड आफ्टर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद भी आप मेजर कर रहे हैं।
द ट्रीटमेंट इफेक्ट इज डिटरमाइंड बाय, ट्रीटमेंट इफेक्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द कंट्रोल एरिया फ्रॉम द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया में से जो कंट्रोल एरिया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ट्रीटमेंट इफेक्ट आ जाएगा। प्रैक्टिकली जब हम इसको करेंगे ना तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिलहाल तो हमें इस थ्योरी को समझना है और प्रिपेयर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फॉर्मल एक्सपेरल डिजाइन, ये थे इनफॉर्मल, तीन थे कौन कौन से, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन एंड बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। नेक्स्ट है फॉर्मल एक्सपेरिमेंट डिजाइन। हाँ जी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, एक अनम्यूट होके बता दे क्या आवाज आ रही है सभी को? ओके ओके। फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर्म कौन कौन से हैं, फर्स्ट कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन सीआरडी, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन आरबीडी, लेटिन स्क्वायर डिजाइन एलएसडी एंड फैक्टोरियल डिजाइन एफडी फैक्टोरियल। सबसे पहले हम करेंगे कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन के बारे में, सीआरडी। इट ऑफर्स एन इक्वल चांस ऑफ रिसीविंग अ ट्रीटमेंट by each experimental unit. Randomized design है ना, randomly हम select करेंगे, means हर एक experimental unit का equal chance है, हर experimental unit का equal chance है study होने का। However, it is suitable only for experiments with homogeneous experiment unit. क्योंकि हर एक अगर experiment unit का equal chance है तो किस में होना चाहिए, homogeneous experimental units में ही होना चाहिए ऐसा। तो अगर heterogeneous है तो उनको ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए, ग्रुप में सेम जो होमोजीनियस आइटम्स हैं दूसरे ग्रुप में दूसरी तरह की होमोजीनियस आइटम्स, तीसरे ग्रुप में तीसरी तरह की होमोजीनियस आइटम्स। लेकिन अगर पूरी पॉपुलेशन ही होमोजीनियस है तब आप कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन उनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा है रैंडमाइज्ड कंप्लीटली डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इक्वली साइज्ड ब्लॉक्स। क्या करते हैं, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं उनको, मीन्स एक ब्लॉक में होमोजीनियस रैंडम वेरिएबल्स। इट रिड्यूसेस द एरर्स ऑफ वन सोर्स ऑफ वेरिएशन अमंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन फॉर द एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटेशन अबाउट बट बिकम्स लेस एफिशिएंट विद लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। अगर ज्यादा ट्रीटमेंट करनी है तो आपका ये लेस एफिशिएंट होगा, अगर एक ही एक या दो ट्रीटमेंट के लिए इसको आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट तो ये। इन आरबीडी द एक्सपेरिमेंटर डिवाइड्स पार्टिसिपेंट्स इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड ब्लॉक्स, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है उनको, पार्टिसिपेंट्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है जिनको कि आप ब्लॉक कहते हैं, और एक सब ग्रुप में होमोजीनियस पार्टिसिपेंट्स होंगे, दूसरे ब्लॉक में होमोजीनियस, तीसरे ब्लॉक में होमोजीनियस, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से हेटरोजीनियस होगा और विद इन ब्लॉक जो होंगे ये पार्टिसिपेंट्स वो होमोजीनियस होंगे। ठीक है, ब्लॉक में एक ही तरह के आइटम आप रखेंगे, दूसरे ब्लॉक के आइटम पहले ब्लॉक के आइटम से कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए तो उनको ब्लॉक में डिवाइड है। फिर इनके ट्रीटमेंट इफेक्ट को आप मेजर कर लेते हैं यदि इस तरह से करते हैं ब्लॉक में करके रैंडमाइज, फिर किसी भी ब्लॉक के सेलेक्ट होने के रैंडम चांसेस हैं, रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी ब्लॉक को। नेक्स्ट है थर्ड, लेटिन स्क्वायर डिजाइन एलएसडी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टू नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन अमंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। इट अलाउज द रिसर्चर टू स्टैटिस्टिकली कंट्रोल टू नॉन इंटरैक्टिंग एक्सटर्नल वेरिएबल्स एज वेल एज मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ईच एक्सटर्नल और ब्लॉकिंग वेरिएबल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। हर एक ब्लॉकिंग वेरिएबल जो है वो इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स में या लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ लेवल, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी दोनों को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन डिजाइन एवरी ट्रीटमेंट अकर्स ओनली वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से ट्रीटमेंट का इफेक्ट को मेजर किया जा सकता है। लास्ट है फैक्टोरियल डिजाइन। इसमें क्या करते हैं आप, एक्सपेरिमेंट इन विच टू और मोर फैक्टर्स वेरी
साइमल्टेनियसली आर नोन एज मल्टी फैक्टर और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। इसमें दो या दो से ज्यादा फैक्टर हैं वो एक साथ हों, एग्जिस्ट करते हों, तो उनको मल्टी फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इसीलिए इसको बोलते हैं। दिस डिजाइन इज यूज टू मेजर द इफेक्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एट वेरियस लेवल्स। दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल पर एक से ज्यादा लेवल्स पर जब आप मेजर करते हैं, एक ही लेवल पर जब मेजर करते हैं मल्टी फैक्टर की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा लेवल्स पर जब आप इनको मेजर करते हैं तो मल्टी फैक्टर डिजाइन बोलेंगे आप इसको। अ फैक्टोरियल डिजाइन में ऑल्सो बी कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ टेबल, टेबल पर कंसेप्चुअलाइज किए जा सकते हैं। इन अ टू फैक्टर डिजाइन ईच लेवल ऑफ वन वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ रो एंड ईच लेवल ऑफ अनदर वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ कॉलम। एक वेरिएबल का रिप्रेजेंट करेगा रो में और दूसरा में। द मेजर एडवांटेज ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज दैट इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व इंटरेक्शंस अमंग वेरियस फैक्टर्स। इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट फैक्टोरियल ट्रीटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग एनी वन ऑफ द बेसिक डिजाइन यूज फॉर सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट। क्या लिमिटेशन है इसकी? टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैनेज करने में डिफिकल्ट रहता है और मैनिपुलेशन ज्यादा है इसमें। कंपिटिटर्स में मैनिपुलेट द रिजल्ट ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट इंटेंशनली। मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है इस लास्ट सेंटेंस का, कि बायसनेस आ जाती है सर्वे। नेक्स्ट आपका ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया इसमें एक्सपेरिमेंट। सेकेंड टॉपिक है सर्वे। सर्वे क्या है? अ सर्वे इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनेयर्स इंटरव्यूज ऑफ अ सैंपल पॉपुलेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन सच एज ओपिनियंस और फैक्ट्स अबाउट द जनरल पॉपुलेशन। आप कंक्लूजन किसके बारे में ड्रॉ करना चाहते हैं? पॉपुलेशन के बारे में। कल मैंने क्लास का एग्जाम्पल देकर बताया था कि पॉपुलेशन क्या है और उस पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे सेलेक्ट करते हैं आप। तो सर्वे क्या है? सर्वे एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं आप, क्वेश्चनेयर या इंटरव्यूज के द्वारा जो है सैंपलिंग से पॉपुलेशन के बारे में कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं और पॉपुलेशन के बारे में उस डाटा के बेसिस पर कंक्लूजन निकालते हैं। सर्वे में क्या करते हैं? सर्वे इज अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वेरिएबल अंडर स्टडी फ्रॉम ऑल और अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स मैनिपुलेशन में से कुछ रिस्पोंडेंट्स को या फिर सभी रिस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट करके आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सभी रिस्पोंडेंट से अगर आप पूरी पॉपुलेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो तो सेंसस सर्वे हो जाता है, और अगर उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके उनके बिहाफ पर यूनिवर्स के बारे में आप कंक्लूजन निकालते हैं तो वो कौन सा सर्वे हो जाएगा? सैंपल सर्वे हो जाएगा। ये दो तरह के सर्वे हैं, सैंपल सर्वे, सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे किसको बोलेंगे आप? पूरी पॉपुलेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी आइटम्स हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए आप एक कॉलेज के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। कॉलेज में स्टाफ भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, सब हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, टीचिंग भी है, तो सभी से अगर डाटा कलेक्ट कर लें आप और उसके बिहाफ पर कंक्लूजन निकालें तो वो क्या होगा? सेंसस सर्वे होगा। और उसी में से अगर एक ग्रुप तो बना दिया आपने नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट, एक ग्रुप बना दिया टीचिंग डिपार्टमेंट, एक ग्रुप बना दिया क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, तो उन सभी में से कुछ आइटम सेलेक्ट कर ली, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में से कुछ आइटम सेलेक्ट कर ली, टीचिंग डिपार्टमेंट में से कुछ कर ली, और उधर से क्लासेस के जो ग्रुप है ऑनर्स के स्टूडेंट्स के कुछ ऑनर्स के कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, फिर इसी तरह से और क्लासेस के भी। तो इस तरह से उन जो सैंपल आपने कलेक्ट किया उन चीज पर आप पूरे कॉलेज के बारे में कंक्लूजन निकालना चाहें तो वो कौन सा सर्वे होगा? वो सैंपल सर्वे होगा। सर्वे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? सर्वे इज अ मेथड लेट ऑफ फॉर्म अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ केसेस एट पर्टिकुलर टाइम। जब आपके पास पॉपुलेशन के बारे में डाटा कलेक्ट करने का ज्यादा टाइम नहीं है तो सैंपल सर्वे करते हैं। म्यूट योर सेल्फ प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आप स्लाइड चेंज करेंगे सर? हाँ जी सर, स्लाइड में वो शो नहीं हो रहा सर, सर्वे वाला चेंज किया थे सर। आप म्यूट कर लिए और इसमें चैट बॉक्स में मैसेज टाइप कर दीजिए, अपना जो भी आप बोलना चाहते हैं चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए।
जो भी आपको क्वेश्चन है बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बाद में इसको देख के आंसर दे दूंगा. इट इज असेंशियली क्रॉस सेक्शनल. क्रॉस सेक्शनल होता है ये, मीन्स क्रॉस सेक्शनली चेक कर दिया जाता है इसमें. इट इज नॉट कंसर्न विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स की करेक्टरिस्टिक्स से कंसर्न नहीं होता. इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स इमेजिनेटिव प्लानिंग. एक्सपर्ट की इमेजिनेटिव प्लानिंग जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है. मीन्स जो एक्सपर्ट है उस वो जो प्लान करेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये डाटा होगा और कंक्लूजन भी उसके बिहाफ पर ही निकलेगा. तो मीन्स एक्सपर्ट की इमेजिनेटिव प्लानिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है. डेफिनेट ऑब्जेक्टिव मीन्स कुछ जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको ही इन्वॉल्व करते हैं आप इसमें. उनके बिहाफ पर ही आप डाटा का ये स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं. इट रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा कलेक्शन. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम. ओके सर्वे लाइक हो रही है फॉर्मल स्टूडेंट बहुत ही ये पीडीएफ मैंने शेयर दिया वैसे व्हाट्सएप पे आपके सुबह आज क्लास से पहले. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्वे. सर्वे कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप के अकॉर्डिंग टू आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. अब ब्रेक हो रही है ज्यादा, कोई बात नहीं. जो रिकॉर्डिंग है वो मैं यूट्यूब पर कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसमें सुन लेना आप. ठीक है, वैसे कोशिश तो कर रहा हूँ मेरे, शायद जो लीड है ये चार्ज नहीं हुई है अच्छे से, चार्ज नहीं हो पाई है. क्लास से पहले चार्ज कर लूंगा इसको मैं. अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंटेशन, अकॉर्डिंग टू द स्पैन ऑफ टाइम इन्वॉल्व. इंस्ट्रूमेंटेशन से के बेसिस पर भी सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है. इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिस पर की मीन्स कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो आप सर्वे के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो. क्वेश्चनेयर फर्स्ट, और दूसरा क्या है इंटरव्यू. क्वेश्चनेयर कुछ क्वेश्चंस पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेते हो आप, और उन क्वेश्चंस के आंसर मांगते हो पार्टिसिपेंट्स से. ये तो हो गया क्वेश्चनेयर. नेक्स्ट है इंटरव्यूज, उनसे कुछ क्वेश्चंस फेस टू फेस आप पूछ लेते हैं और फिर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनके बेसिस पर आप रिसर्च कंडक्ट हैं. और टाइम जो इन्वॉल्व है, स्पैन ऑफ टाइम इन्वॉल्व, उसके अकॉर्डिंग जो सर्वे के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं. क्रॉस सेक्शनल सर्वे और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे. क्रॉस सेक्शनल सर्वे कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स एट अ सिंगल पीरियड इन टाइम यूजेस द क्रॉस सेक्शनल टाइप्स ऑफ सर्वे. क्रॉस सेक्शनल सर्वे यूजुअली यूटिलाइज टू आस्क अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक एट वन पॉइंट ऑफ इन टाइम. यह आपका अकॉर्डिंग टू द स्पैन ऑफ टाइम इन्वॉल्व, क्रॉस सेक्शनल सर्वेस एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्वेस. एडवांटेजेस क्या है इनकी ये आप पढ़ लेंगे, और डिसएडवांटेजेस सर्वेस की हम पढ़ेंगे. डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट. सर्वे और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है. पहले पहला टॉपिक आज मैंने आपको कराया एक्सपेरिमेंट का, और दूसरा टॉपिक कराया वे. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक और लाइन आएगी इस डिफरेंस में. पेज पर डिफरेंस जो ये, इसमें एक और लाइन आप ऐड कर दीजिएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस. ये पॉइंट्स रीड करके आप बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है वो आसानी से लिख सकते हैं, तो आप वो भी इंक्लूड करना है आपने इसमें. फर्स्ट डिफरेंस क्या है सर्वे और एक्सपेरिमेंट में, कि अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ वेरिएबल अंडर स्टडी फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सर्वे. सर्वे और एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन में ही डिफरेंस क्रिएट किया गया है. एक्सपेरिमेंट क्या है, अ साइंटिफिक प्रोसीजर वेयर द फैक्टर अंडर स्टडी इज आइसोलेटेड टू टेस्ट हाइपोथेसिस कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. इसमें प्रश्न की जाती है. सर्वेज आर परफॉर्म्ड व्हेन द रिसर्चर इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर. रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है तब सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव नेचर के जो रिसर्च में क्या करते हैं, जो सर्वे करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो एक्सपेरिमेंट करेंगे. The survey samples are large as the response
रेट इज लो, स्पेशली व्हेन द सर्वे इज कंडक्टेड थ्रू मेल्ड क्वेश्चनेयर। जब आप मेल करते हैं क्वेश्चनेयर को, जरूरी नहीं है वहां से जवाब आए या उसी टाइम आ जाए, तो सर्वे सैंपल्स जब वो लार्ज होते हैं इसीलिए, और द सैंपल्स रिक्वायर्ड इन एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटिवली स्मॉल, कम सैंपल रखने की आप जरूरत है एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि आप उनको परफॉर्म करेंगे ही। सर्वेज आर टेलर्ड सूटेबल फॉर सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज, सोशल साइंसेज और बिहेवियरल साइंसेज में आप सर्वेज कंडक्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स आर एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। एक्सपेरिमेंट्स कहाँ करते हैं? फिजिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में। फिजिकल साइंसेज कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल साइंसेज का एग्जाम्पल दीजिए, कोई बताएगा फिजिकल साइंस क्या? फिजिकल साइंसेज में कौन सा सब्जेक्ट आता है? जैसे फिजिक्स हो गया, ठीक है, नेचुरल साइंसेज फिजिक्स, ये केमिकल साइंसेज में केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस जो है वो क्या है? नेचुरल साइंस है। सर्वेज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च रेफर्स टू द रिसर्च कंडक्टेड आउटसाइड द लेबोरेटरी और वर्क प्लेस। सर्वेज कहाँ पर किए जाते हैं? लैब में तो नहीं किए जाते। कहाँ पर किए जाते हैं? आउटसाइड द लेबोरेटरी किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं? फील्ड में किए जाते हैं। और एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किए जाते हैं? लैब में किए जाते हैं। तो ये भी डिफरेंस हो गया इन दोनों में। लास्ट सिक्स डिफरेंस जो है इन सर्वे, डाटा कलेक्शन मेथड्स एम्प्लॉयड कैन आइदर बी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर और केस स्टडी। सर्वेज में क्या हो सकता है? डाटा कलेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर और केस स्टडी। केस स्टडी भी कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है केस स्टडी। इन एक्सपेरिमेंट द डाटा इज ऑब्टेन थ्रू सेवरल रीडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाता है और उसकी जो रीडिंग्स जो हैं वो नोट की जाती हैं। डाटा जो है उन रीडिंग्स के थ्रू आप कलेक्ट करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट है। 10th क्लास तक तो आपने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं इसके, ये डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है आपने, फिर मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है, दो दो पर्टिकुलर राइटर की डेफिनेशंस लिखनी है, उन डेफिनेशंस का क्या कंक्लूजन है वो लिखना है। कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालना, बस दो डेफिनेशन के बाद उन डेफिनेशन में क्या कहा गया है वो कंक्लूजन के तौर पर लिख देना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? गुड एक्सपेरिमेंट के फीचर्स लिखने हैं। और आ करते हैं एक्सपेरिमेंट की छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद फीचर्स स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या क्या मेटेरियल यूज होगा, क्या क्या मैटर आपने इंक्लूड करना है इस तरह के क्वेश्चन में। डिफाइन एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर फीचर्स ऑफ गुड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को सिर्फ डिफाइन ही नहीं करना है, इसकी बात नहीं माननी है आपने। क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखना है थोड़ा सा ऊपर एक्सपेरिमेंट के बारे में, फिर मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन का कंक्लूजन लिखना है, और फिर फीचर लिखना है, क्योंकि मैटर जो है वो आपका एक्सपेंड हो जाएगा थोड़ा सा। सेकेंड, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन, अभी डिस्कस किए थे हमने। फिर इसमें क्या करेंगे आप, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है ये भी लिख देंगे। पहले एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है ये लिख देंगे, फिर उसके बाद उसके बेसिक प्रिंसिपल्स लिखेंगे। ये नहीं कि पहले बेसिक प्रिंसिपल्स, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है इसमें। आप वो लिखेंगे जो रिलेटेड है, ये नहीं कि पूरी चैप्टर में से कुछ भी उठा के लिख दिया आपने। अब पूछ तो रखा है दिस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और आप एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख रहे हैं इसमें, एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये तो नहीं करना। आपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके बाद इसके बेसिक प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं। लैब और फील्ड एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्रिएट करना है, पहले लैब एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन दे दीजिए, फील्ड एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन दे दीजिए, और फिर इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए अगर 16 मार्क्स में है तो। वैसे तो दो तीन टॉपिक मिला के इनमें से एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सर्वे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें कैसे क्या क्या मैटर डालना है वो आप डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आपको पढ़ने रह गए हैं बस। इसके क्वेश्चन में क्या क्या मैटर डालना है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करने के लिए छोड़ दिए हैं, आप पूछ सकते हैं इनमें बाद में कि क्या मैटर इसमें यूज करना। तो ये था आपका चैप्टर सेकेंड, डाटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड सर्वे। कल की क्लास में हम डाटा कलेक्शन मेथड्स पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास विल बी डाटा कलेक्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल भी है थोड़ा, इसको हम
करेंगे। सभी ने अपने जो रोल नंबर था, नेम एंड रोल नंबर इसमें लिखा, चैट बॉक्स में देख लूँ एक बार। हाँ जी, स्क्रीनशॉट्स ले लूँ मैं एक बार। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, यू मे लीव नाउ। यू ऑल मे लीव नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स।